हायर और फायर के इस जमाने में चट इस्तीफा और पट सेटलमेंट का दौर शुरू हो गया है। इस नियम के लागू होने पर कई लिहाज से हमें कीमत भी चुकानी पड़ेगी। आपको बताते हैं पूरी कहानी, इससे पहले आप हमारे चैनल न्यूज नॉट को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली बात तो यह कि नया वेतन कोड लागू होते ही ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों का हिसाब किताब 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। अगर आप नौकरी से रिजाइन दे रहे हैं या नौकरी छोड़ने की सोच रहे हैं तो आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि नौकरी छोड़ने के बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए एचआर से आपको बार बार रिक्वेस्ट या फिर उसके चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नौकरी छोड़ने के 2 दिन के भीतर ही आपको आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मिल जाएगा। यह व्यवस्था नया वेतन कोड यानी न्यू वेज कोड के लागू होते ही शुरू हो जाएगी। इसके मुताबिक किसी कर्मचारी के इस्तीफे, बर्खास्तगी या रोजगार या सेवाओं से हटाने के बाद उसके वर्किंग डे के 2 दिन के भीतर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना होगा। आपको बता दें कि किसी भी कंपनी को छोड़ते समय प्रक्रिया के प्रमुख प्रक्रिया में से एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है। फिलहाल जो नियम लागू है उसके मुताबिक वेतन या बकाया का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर्मचारियों के लास्ट वर्किंग डे के 45 से 60 दिनों के बाद किया जाता है। कई बार तो ये 90 दिनों तक चला जाता है। लेकिन नए वेतन कोड में कहा गया कि एक कंपनी को उनके कर्मचारियों के लास्ट वर्किंग डे के 2 दिनों के बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना होगा, यानी संपूर्ण बकाया राशियों का भुगतान करना होगा। एक लिहाज से ये काफी राहत भरी बात है, लेकिन नए वेतन कोड में सिर्फ इतना भर नहीं है। न्यू वेज कोड के लागू होने के बाद काम के घंटों और कर्मचारियों के अन्य अधिकार पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पीएफ के कैलकुलेशन में भी बड़ा बदलाव होगा। हम आगे आपको अपने पोस्ट के जरिए इसकी डिटेल बताते रहेंगे। अब मिलियन डॉलर सवाल ये है कि न्यू वेज कोड लागू कब होगा। कहा जा रहा था कि 1 जुलाई से लागू हो जाएगा, पर अब तक नहीं हुआ। अब उम्मीद ये है कि इसी साल खुद पीएम नरेंद्र मोदी 4 नए लेबल कोड ऐलान करेंगे, जिसमें से एक न्यू एज कोड भी है। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड विथ न्यूज नॉट फॉर स्मार्ट न्यूज़।